पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और किस तरीके से कितना कितना बकाया है लोगों के पास और किस तरीके से वसूली की जा रही है? देखिए, आप सभी अवगत हैं कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं वे अपनी आमदनी के लिए डिपेंड करते हैं मुख्य तौर से गृह कर और जल कर पर। प्रतिवर्ष ये अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसी क्रम में चूंकि अब दिसंबर माह आ चुका है और मार्च 24 में केवल 4 माह का समय ही अवशेष है, तो ऐसे समय पर राजस्व वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से इसमें व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रमुख तौर से जो हमारे पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग 25 लाख से ज़्यादा है उनके, और उन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा राजस्व का जमा नहीं किया है, गृह कर या जल कर का जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2022 में हमारा जो राजस्व था वो जहां 38 करोड़ हुआ करता था, गत वर्ष हमने इसको 49 करोड़ तक बढ़ाया है और उसी का नतीजा ये है कि सीएम ग्रिड और नगरी सड़क योजना में हमें अतिरिक्त धनराशि सड़कों के निर्माण के लिए इस बार प्राप्त हो रही है। तो एक फॉर्मूला विकसित किया गया है जिसके तहत जो नगरी निकाय अपनी आमदनी को जितना बढ़ाएंगे, जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, उतनी ही प्रतिशत उनको ग्रांट में बढ़ोतरी होकर के प्राप्त होगी, जिसका अंततः उपयोग शहर के विकास में किया जाएगा। तो इसी क्रम में शहर में व्यापक तौर से राजस्व वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। सर, इसमें मुसाफिर खाना के अगेंस्ट कितना टैक्स? प्रतिष्ठान है, मैंने आपको बताया, प्रथम चरण में ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा टैक्स अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और इसी क्रम में मुसाफिर खाना जिनके विरुद्ध 37 लाख रुपए का राजस्व बकाया है और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने एक भी पैसा टैक्स का निगम को अदा नहीं किया है, इस क्रम में उनके विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सर, कुछ शॉप्स भी उनके बकाया हैं अभी जो कि स्टेशन के ठीक सामने हैं? हाँ, मुसाफिर खाना के पास ही कुछ दुकानें हैं जिन दुकानों को मुसाफिर खाना या उनके इंतजामिया द्वारा कुछ लोगों को किराए पर दिया गया है। प्राइमरीली जो टैक्स की देयता है वो भवन स्वामी के विरुद्ध बनती है, ना कि किराएदारों के विरुद्ध। इसी को दृष्टिगत रखते हुए किराएदारों को एक दिन का समय दिया गया है उनके स्वामित्व या वो उस दुकान पर किस प्रकार अपना व्यवसाय कर रहे हैं इसके संबंध में अपने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए, जिनकी जाँच आज की जा रही है और जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ बड़े बकायेदार भी हैं, 1CR के भी बकायेदार हैं आप यहाँ? जी, मैंने बताया बड़े बकायेदार और भी हैं, सभी बड़े बकायेदारों के विरुद्ध ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन ऐसे बकायेदार जिनका आउटस्टैंडिंग तो है परंतु प्रतिवर्ष वो मोर देन 50% टैक्स अदा करते हैं, उनके विरुद्ध एक साथ कोर्सिव एक्शन या कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, उन्हें अवसर दिया जाता है कि आप अपना टैक्स जल्दी से जल्दी जमा कर दें और जमा न करने की दशा में फिर उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।